सीसीटीवी की ये तस्वीरें रतिया की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक कार दुकान के सामने आकर रुकती है और कार से कुछ युवक बाहर निकलते हैं। सभी युवकों के मुंह कपड़े से ढके हुए हैं और उनके हाथ में डंडे और लोहे की रॉड दिखाई दे रही है। इससे इतना तो साफ है कि इन युवकों के इरादे नेक नहीं है। कार सवार बदमाश आते ही दुकान के बाहर बैठे युवक पर हमला कर देते हैं, डंडों से उसकी पिटाई करते हैं। जिस दुकानदार को कार सवार बदमाशों ने पीटा है वो रतिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष का बेटा संजीव गर्ग है और पिटाई में उसको गंभीर चोटें आई है। आपकी गाड़ी रुकी, आपने पांच जने गाड़ी से बाहर आए, आपकी मेरे को मारने लगे। दो कापे थे, दो जनों के पास, दो के पास राड़े थी, एक के पास कापो लोहे का और दूसरा डंडा था कस्सी वाला। आपकी बुरी तरह मारने लगे मेरे को। संजीव गर्ग पर हमले की ये वारदात 8 सितंबर की है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हमले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जो कंप्लेनेंट है वो संजीव गर्ग है, जो अपनी रतिया में अनाज मंडी पर अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इसके साथ राजू लाली के साथ कोई पुराना झगड़ा है, तो इसमें राजू लाली और इसके साथ 4-5 और अन्य व्यक्तियों ने इसकी दुकान में घुसकर इसके साथ मारपिटाई वगैरह की। क्या कार्रवाई है सर? इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुकानदार संजीव गर्ग का राजू लाली नाम के व्यक्ति के साथ पुराने रंजिश को लेकर विवाद था। संजीव ने आरोप लगाया कि लाली ने ही अपने साथियों के साथ दुकान में घुसकर हमला किया। वहीं पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। R9 TV के लिए रतिया से रवि गोयल की रिपोर्ट।